अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने बनाई है चिकन मिक्स वेजिटेबल स्पैगेटीज़। ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई हैं, बहुत ही आसान है इसको बनाना। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वो तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी तमाम ज़बरदस्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो आइए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चिकन वेजिटेबल स्पैगेटीज बनाने के लिए मुझे यहाँ पे किन किन चीजों की जरूरत है। मैंने यहाँ पर स्पैगेटीज ली हैं, एक पैकेट, ये देख लें, इस तरह की स्पैगेटीज हैं ये। 2 टेबलस्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है। तो ये 3 चीजें मुझे सिर्फ स्पैगेटीज बॉइल करने के लिए चाहिए। वेजिटेबल्स में मेरे पास क्या क्या मौजूद है। शिमला मिर्च ली है मैंने 1 अदद, और ये देखे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी। 1 दरमियाना प्याज दिया है, इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। और 1 ही टमाटर लिया है, ये देखिए इस तरह से स्ट्रिप्स में इसकी कटिंग कर ली है। चिकन लेंगे हम 1/2 kg, और चिकन की भी आपने कटिंग देख लें, स्ट्रिप्स में मैंने कटिंग की हुई है इसकी, ठीक है। स्पाइसेस में मेरे पास क्या क्या मौजूद है। नमक लिया है मैंने हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर 1 teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1/2 teaspoon, काली मिर्च का पाउडर 1/2 teaspoon, सोया सॉस ली है मैंने 2 टेबलस्पून, रेड चिली सॉस मैंने ली है 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ लहसुन है मेरे पास 1 teaspoon। तो आइए चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्राइंग पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पर, 1 चम्मच ऑयल डाला है मैंने सिर्फ इसमें, लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी इसमें और बस इसको हल्का सा फ्राई कर लूंगी। बस लहसुन को कलर चेंज होने तक पकाएंगे, जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दो से 3 मिनट चिकन की तेज आंच पर बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे, और मैं इसमें से अब 1/2 टमाटर इसके अंदर डाल दूंगी और 1/2 टमाटर हम बचाकर रख लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं यहाँ पर तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी, सारा ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पर मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी इसमें ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। पानी को बॉईल आ गया है, इसको मैंने ढक दिया है, फ्लेम मैं यहाँ पर कर दूँगी मीडियम, और हम इसको अगले 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, ठीक है, ताकि जो चिकन है ना वो अच्छे से गल जाए। सही, अब जब तक चिकन गल रहा है तब तक हम ऐसे करते हैं कि हम लोग स्पैगेटीज को बॉईल कर लेते हैं। एक बड़ा पतीला ले लिया है मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, ये 1/2 पतीला है पानी का, और मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। पानी को बॉईल आ चुका है, स्पैगेटीज ऐड करूंगी मैं इसमें, मिक्स कर दूंगी इसको अच्छे से, बॉईल कर लेंगे। ये अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं, ठीक है, ये देखें ये बॉईल हो गई है, और मैं अब इसको निकाल लूंगी और स्पैगेटीज पलट दूंगी, और अब मैं इसको यहीं रख दूंगी ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। शिमला मिर्च ऐड करूंगी मैं, 1 शिमला मिर्च ली है मैंने, प्याज ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लूंगी मैं इसको और 4 से 5 मिनट इसको कुक करूंगी। जो वेजिटेबल्स जो दोनों मैंने डाली थी वो दोनों सॉफ्ट हो गई हैं, और अब मैं यहाँ पर इसके अंदर कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी जो रह गए थे। इससे पहले 1/2 टमाटर हमने पहले इसमें डाल लिए थे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस, मिक्स कर लूंगी इसको अच्छे से। अब बस इसको हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1/2 टीस्पून ऑयल का डालूंगी मैं इसमें। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी सबसे पहले तो, और साथ ही मैं इसके अंदर स्पैगेटीज ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लूंगी मैं अब इसको अच्छे से। अच्छा जी, ये अच्छे से मिक्स हो गई है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ए?
व्यूअर्स, तो मजेदार चिकन वेजिटेबल्स स्पैगेटीज बिल्कुल तैयार हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।